आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी या लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई भी राज बच नहीं सकता है। जी हाँ, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। आपने देखा होगा कि आज एक महिला ने दूसरी महिला को कोई बात बताई तो उस बात को चारों दिशाओं फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जी हाँ, महिलाओं के पेट में कोई बात पच ही नहीं पाती। उन्हें गॉसिप्स करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक या विषय ज़रूर ही चाहिए होता है। ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं से अपने राज छुपा कर रखने ज़रूरी है। इसके पीछे का आखिर क्या कारण है? इसके पीछे महाभारत के युद्ध के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनने को मिलती है। जी हाँ, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। उस समय की एक ऐसी घटना है जो आज भी याद की जाती है। महाभारत काल में दिया गया एक श्राप आज भी महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, एक पौराणिक कथा में ये बताया गया कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो माता कुंती ने कर्ण के शव को गोद में ले रखा था और रो रही थी। ऐसा दृश्य देखकर पांडव हैरान रह गए थे और कुंती से पूछने लगे कि वह शत्रु की मृत्यु पर आंसू क्यों बहा रही हैं। तब कुंती ने कहा कि कर्ण उनका बड़ा पुत्र है। दरअसल एक कथा इससे और जुड़ती है। दरअसल कुंती को ये वरदान मिला हुआ था कि वह सूर्य देव से जब जल चढ़ाते समय कोई भी वरदान मांगेगी तो उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाएगा। भोर की बेला में कुंती ने यही किया। उन्होंने सूर्य देव से ये वरदान मांगा कि उन्हें एक तेजवान पुत्र की प्राप्ति हो। वरदान मांगते ही उनके गोद में कर्ण कवच और कुंडल सहित उपस्थित हो गए। लेकिन कुंती को ये भय होने लगा कि अविवाहित होने के बाद भी उनके पास ये पुत्र कैसे आया। उन्हें अपनी इज्जत पर, अपनी आभा पर शंका ना जतवाने के लिए उन्होंने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया था। यही बात जब समस्त पांडवों को पता चली तो युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी माता कुंती को श्राप देते हुए कहा कि आज से समस्त स्त्री जाति अपने पेट में कुछ भी छिपा कर नहीं रख सकेगी। तभी से जाना जाता है कि ये श्राप महिलाओं पर अभी तक असर करता है। जी हाँ, कर्ण के जन्म के बारे में ये बहुत रोचक कहानी महाभारत ग्रंथ से मिली है, जिसके अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए थे। इससे वह कुंती को एक मंत्र देते हैं और कहते हैं कि वह इस मंत्र का जाप करके जिस भी देवता का आह्वान करेंगी उसी देवता से उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। तब कुंती ने इस मंत्र का प्रशिक्षण करने के बारे में सोचा और सूर्य देव का आह्वान किया और फिर उन्हें कर्ण को सूर्य देव से कवच और कुंडल पहने हुए पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन लोक लाज के भय से कुंती ने बालक को एक बक्से में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया था। यही कारण था कि कुंती ने आज तक अपने पांचों बेटों यानी पांडवों को कर्ण के बारे में नहीं बताया था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।